हेलो फ्रेंड्स, वाईटी मनोज कुमार की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहदिल से स्वागत है। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं बता दूं, शार्क टाइम में सुर्खियां बटोरने वाले अश्विनी गोबर ने आखिरकार भारत पे को अलविदा कह चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही और सटीक बात आप सुन रहे हैं। जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, आज मार्च 2 तारीख है, इसी सिलसिले में अश्विनी गोबर ने भारत पे को अलविदा कह चुके हैं। साथ ही साथ अश्विनी गोबर ने अपने पद पर से इस्तीफा दे चुके हैं, जो कि को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर रूप से भारत पे में काम कर रहे थे। फ्रेंड्स, यदि मैं जानकारी के लिए बताऊं आपको, पिछले 4 से 5 मंथ में अश्विनी गोबर ने जितना सुर्खियां बटोरे, साथ ही साथ वो विवाद में रह चुके थे। इसके पीछे रीजन क्या है, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर इसके पीछे राज क्या था। फ्रेंड्स, जानकारी के लिए मैं बता दूं, अश्विनी गोबर का एक ऑडियो क्लिप काफ़ी जोर से वायरल हुआ था, जहाँ पर उस ऑडियो क्लिप में उन्होंने टेक महिंद्रा की एक एम्प्लॉय पर काफ़ी अभद्र भाषा की प्रयोग किए थे। यहाँ पर अश्विनी ने इस बात को गलत बताया है, बट यदि मैं जानकारी के लिए बता दूँ, अश्विनी गोबर ने यहाँ पर विवाद में फंसे हुए हैं। इसके कारण ये था कि फ्रेंड्स, जो कंपनी के मैनेजमेंट था उनके साथ और अश्विनी गोबर के कुछ आमना सामने हुआ था, जो पर बात बन नहीं रहा था। यहाँ पर और एक विवाद आया था फ्रेंड्स, यदि आपने सुने होंगे कि अश्विनी गोबर की वाइफ जो थी माधुरी जैन गबर ने काफ़ी पहले कंपनी छोड़ चुके थे, छोड़े नहीं थे फ्रेंड्स, उनको बहिष्कार किया गया था, क्योंकि कंपनी का मानना यह था, कंपनी का जितने भी सारे फंड था, उस फंड को अपने पर्सनल लाइफ में एक्सपेंसिव में यानी कि खर्चा कर रहे थे, जो कि माधुरी जैन थे। इसके लिए उनके ऊपर भी घोटाले का केस लागू किया गया था फ्रेंड्स। और एक जानकारी मैं आपको बता दूँ, अश्विनी गोबर ने शाश्वत नकरानी के साथ मिलकर 2018 में भारत पे की आविर्भाव किए थे। यहीं पर मैं बात करूँ भारत पे के बारे में, जो कि QR कोड के माध्यम से वन अकाउंट से अनदर अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करते हैं, जहाँ पर ये थर्ड टाइम के हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पर और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो भारत पे की कंपनी है, ये ओनली फॉर QR कोड पर काम नहीं करते हैं, QR कोड एंड की क्विक रेस्पॉन्स कोड, जैसे मैंने बता दूँ आपको, फ़ोनपे, गूगल पे, मोबीक्विक, बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टीज़ है जो कि कस्टमर और बैंक के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसी के बीच में ब्रोकर की तरह काम करते हैं। उसी हिसाब से भारत पे उसी सिचुएशन पे काम कर रहा था। जिसमें बात करूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट, SOS जो स्वाइप मशीन है भारत पे में, उसमें भी अश्विनी गोबर ने काम कर रहे थे। बट यहाँ पर अश्विनी ने अपने सफाई में ये कहा है कि ये जो सारा इंजाम लग रहा है वो बेबुनियाद है और यहाँ पर उनके कोई भी दोस्त नहीं है और उनको बदनाम करने के लिए ये चीज़ बताया जा रहा है। आखिर ये बात कितने सच है, कितना सही है, कितना गलत है, यहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। अभी अलविदा तो कह चुके हैं अश्विनी गोबर ने, बट आगे जाकर इसके ऊपर क्या तहकीकात होता है, कंपनी मैनेजमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है, हम जरूर आपको नेक्स्ट टॉपिक में बात करवाएंगे दोस्तों।